हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा था 11th क्लास में, वो था एडवर्ब्स, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और नेक्स्ट हमने एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन की थी, एडवर्ब ऑफ नेगेशन की थी। ओके स्टूडेंट, और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, वो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और इसमें स्टूडेंट, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच मीन्स कितना। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और ये क्या शो करता है स्टूडेंट? क्वांटिटी शो करता है। क्या शो करता है? क्वांटिटी शो करता है, मात्रा शो करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हाउ मच मीन्स कि ये शो क्या करता है? क्वांटिटी शो करता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और ये अनकाउंटेबल होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? फर्स्ट थिंग क्या होता है? ये अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट, क्वांटिटी शो करता है किसी चीज की। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट एग्जांपल्स, आई लव माय कंट्री, आई लव माय कंट्री। ओके स्टूडेंट, यहां से लेकर यहां तक आइए, आई लव माय कंट्री, हाउ मच, कितना, वेरी मच, वेरी मच, बहुत ज्यादा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, हाउ मच, कितना, पार्टली, लगभग। ओके स्टूडेंट, तो पार्टली, तो योर आंसर इज पार्टली करेक्ट। सी इज क्वाइट हैप्पी, सी इज हैप्पी, वह खुश है, बट हाउ मच, कितनी, बे स्टूडेंट, क्वाइट, ओके स्टूडेंट, कि बहुत खुश है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये ऑलमोस्ट क्या है स्टूडेंट? ये भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, राधा सिंग्स प्रीटी वेल। ये भी क्या है स्टूडेंट? ये भी प्रीटी क्या है स्टूडेंट? इसमें ये भी क्या शो कर रहे हैं कि राधा सिंग्स वेल, हाउ मच, प्रीटी, सुंदर गाना गाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है स्टूडेंट, और इसमें दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पुट किया जाता है? हाउ मच से क्वेश्चन पुट किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? हाउ मच मीन्स क्वांटिटी शो करता है ये। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और देर आर सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, वेरी, वेरी मच, पार्टली, रदर, हार्डली, समवाट, फुली, क्वाइट, टू, इनफ, प्रीटी, कंप्लीटली, और लिटल, मोर, मोस्ट, इंटायरली, ईटीसी, एक्सेट्रा। दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। ओके स्टूडेंट, देर आर सम कॉमन एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री टॉपिक है स्टूडेंट, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट, एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। ओके स्टूडेंट, इसमें रीजन, सेंटेंस में रीजन दिया हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन वाई। वाई मीन्स क्यों। वाई इज यूज्ड फॉर रीजन। ओके स्टूडेंट, वाई इज यूज्ड फॉर रीजन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? वाई का जो यूज होता है स्टूडेंट, कि इसमें कारण पूछा जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कोई ना कोई रीजन होगा स्टूडेंट, रीजन शो होगा इसमें। ओके स्टूडेंट, टेक सम एग्जांपल्स।
First he dead because he drank too much. Next, the school is closed on account of Diwali. Okay, student. He is very late, hence the meeting is postponed. There are three sentences. First sentence, he dead because he drank too much. Okay student, reason क्या show कर रहे हैं इसमें? Reason क्या है student कि why he died? फिर क्यों मर गया? Reason क्या है? Because he drank too much. Is that clear student? You are getting my point student कि he dead because he drank too much. रीजन क्या है? टू मच, ड्रैंक टू मच. ओके स्टूडेंट, कि अब आगे किस पर पुट करें स्टूडेंट, कैसे पुट करेंगे कि व्हाई डिड ही डाई. ओके स्टूडेंट, किस्म क्या बनेगा इसका? व्हाई डिड ही डाई. ओके स्टूडेंट, कि व्हाई डिड ही डाई, कि वह क्यों मर गया. ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? तो सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी यूज होगा इसमें. तो अब रीजन क्या है? व्हाई डिड ही डाई, क्यों मर गया? क्योंकि रीजन क्या था? बिकॉज ही ड्रैंक टू मच. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज रीजन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, द स्कूल इज क्लोज्ड. द स्कूल इज क्लोज्ड एंड ऑन अकाउंट ऑफ दिवाली. ओके स्टूडेंट, स्कूल बंद होने की वजह क्या थी? कि दीपावली. ओके स्टूडेंट, लेकिन इसमें ऑन अकाउंट ऑफ, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ रीजन. ओके स्टूडेंट, बिकॉज hence it is very late, it is very late, hence the meeting is postponed. Okay student, to meeting is postponed ho gayi. Late hone ke karan meeting kya ho gayi? Postponed, stagit kar di. Is that clear student? To ye kya hote hain? Isme reason so raha hai. Okay student, there are three sentences. These are showing reasons. Okay student, अब अगर why से question put करते हैं student, तो हमारे पास reason आता है. Okay student, we can get reason. Okay, example already मैंने आप लोगों को बता दिया कि why did he die? Because he drank too much. Is that clear student? तो इसी प्रकार से एडवर्ब्स ऑफ रीजन, ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट बिकॉज, ऑन अकाउंट ऑफ, हेंस आर एडवर्ब्स ऑफ रीजन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? एडवर्ब्स
ऑफ रीजंस, रीजन, सो एज, बिकॉज, एज, दैट, सीइंग दैट, therefore, on account of, hence, etc., etc. These are adverbs of reason. Is that clear, student? तो इस प्रकार से ये जो हमारा adverbs of reason topic है ये भी complete हुआ student. Next जो हमारा है student वो है adverbs of interrogative. Adverbs of interrogative. Is that clear, student? Adverbs of interrogative. For asking, the question, for asking the question. Okay, student, which is used, which is used for asking the question. Okay, student, या फिर these adverbs of interrogative are used of asking the question. Is that clear, student? Okay, student, जैसे कि examples. First, where do you live? Where do you live? Okay, student. Where do you? Yeah, when does he go to school? How are you? How are you now? How much do you pay? Yeah, how much will you pay? How many students? How many students in the class? Why did you go there? Is that clear, student? There are six sentences. First, where do you live? Second,
when does he go to school? Next, how are you now? Next, how much will you pay? Next, how many students in the class? Next, why did you go there? Okay, student. These sentences are adverbs of interrogative. Okay, student. अब ये कौन से सेंटेंस है स्टूडेंट? इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट, जैसे एज, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाई. ओके स्टूडेंट, इसमें वेयर इज used for place. Okay student, adverbs of place. Okay student, where do you live? Where is used for place? Where का use किसके लिए होता है? स्थान के लिए होता है student. So question क्या put हुआ कि where do you live? आप कहाँ रहते हो? Answer क्या होगा? I live in भादरा. Okay student. Next, when does he go to school? Where school कब जाता है? When is used for time? Okay student. When is used for time? Is that clear student? नेक्स्ट, हाउ आर यू नाउ कि अब आप कैसे हो? तो हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके स्टूडेंट, हाउ इज यूज इन एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, हाउ मच विल यू पे? हाउ मच इज शोइंग क्वांटिटी. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो हाउ मच मीन्स क्वांटिटी शो करता है स्टूडेंट, ये किसी भी चीज की मात्रा शो करता है ये, और इसलिए ये कौन सा हो गया? ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास? हाउ मेनी मीन्स वी कैन काउंट, और ये हाउ मेनी मीन्स ये नंबर शो करता है स्टूडेंट. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये क्या शो करता है? हाउ मच क्वांटिटी शो करता है, क्वांटिटी. और ये क्या शो करता है स्टूडेंट? नंबर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, व्हाई डिड यू गो देयर? व्हाई डिड यू गो देयर? व्हाई डिड यू गो देयर? तो इट मींस व्हाई इज यूज फॉर रीजन. ओके स्टूडेंट, जो हमने अभी नेक्स्ट लास्ट किया था स्टूडेंट, उसमें क्या किया था हमने कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन किया था स्टूडेंट, और व्हाई दीज आंसर, दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हाई. एडवर्ब्स ऑफ रीजन, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो व्हाई इज यूज फॉर, व्हाई इज यूज फॉर रीजन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये क्या शो करेगा? रीजन शो करेगा. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो हमारा है एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेटिव, एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेटिव टॉपिक ये हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इसमें एडवर्ब्स ऑफ इंटरोगेटिव. Adverbs, adverbs of interrogative. As, when, why, how much, how many.
How? Where? Why? Which? etc. These are adverbs of interrogative. Is that clear, student? These are adverbs of interrogative. When, why, how much, how many, how, where, why, which. Is that clear, student? Is that clear, student? These are adverbs of interrogative sentence. तो इस प्रकार से student हमारा जो adverbs of interrogative है topic वो भी complete होता है. Next जो हमारा और last student वो है relative. Relative adverbs. Relative adverbs. Relative adverbs. Relative adverb is a double part of speech. Relative adverbs, adverb is a double part of speech. Relative adverbs is a double part of speech, student. Relative adverb is a double part of speech, student. It is an adverb and conjunctions combined. Okay, student, relative adverb is a double part of speech and it is an adverb and conjunction combined. Okay, student, it relative adverb is a double part of speech and it is an adverb and conjunction combined. Next, adverbs refer to antecedent adverbs refer to antecedent adverbs refer to their antecedent but also
also may adverbs refer to their antecedent, but may also refer to reason manner etc. Okay student, relative adverb is a double part of speech. It is an adverb and conjunction combined. Next, adverbs refer to their antecedent but may also refer to reason manners. Okay student, etc. Now take some examples. This is the place where he met with an accident. अब इसमें जो रिलेटिव एडवर्ब स्टूडेंट वो वेयर वाई एंड वैन. ओके स्टूडेंट, दे आर थ्री एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स आर गिवन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, दिस इज द प्लेस वेयर ही मेट विद एन एक्सीडेंट. ओके स्टूडेंट, आई डोंट know the reason why he fell. I don't know the reason why he fell. Okay student, to sentence kya student, I don't know the reason why he fell. Okay student, तो वेयर हो गया स्टूडेंट, वाई हो गया, ये क्या है स्टूडेंट, रिलेटिव एडवर्ब्स है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ही नोज वेरी वेल, ही नोज वेरी वेल how to tackle this situation. Okay student, he knows very well how to tackle this situation. How? Okay student, relative adverbs. Okay student, तो इसमें स्टूडेंट दिस इज द प्लेस वेयर ही मेट विद एन एक्सीडेंट. नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही फेल. नेक्स्ट, ही नोज वेरी वेल हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें इन दिस सेंटेंसेस relative adverbs are where